अस्सलामुअलैकुम। तो Redmi 13 स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में काफ़ी जल्द आने वाला है और ये स्मार्टफोन मल्टीपल मार्केट में सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है। Redmi 13 सी स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं रियर साइड पर एक स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है। जो बैक साइड है वो काफ़ी एक खूबसूरत में डिज़ाइनिंग के साथ आपको देखने को मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन जो वो ब्लैक कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर में आपको देखने को मिल जाता है। और स्मार्टफोन जो है वो बॉटम साइड पर आपको रेडमी की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। और स्मार्टफोन का बैक साइड वो प्लास्टर का आपको देखने को मिल जाता है, जबकि जो फ्रेम है वो भी प्लास्टर का है, लेकिन ये फ्रेम बॉक्स ये फ्लैट फ्रेम दिया गया, जो कि ये भी प्लास्टर के साथ ही आता है। और साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया। जो फ्रेम है वो आपको यहाँ पर 8 mm थिक देखने को मिलता है और 192 ग्राम स्मार्टफोन को जो है वो वेट दिया गया है। तो यहाँ पर एक डिसेंट किस्म का लुक आपको देखने को मिलता है, खूबसूरत है, हर लिहाज से मुझे बेहतर लगे अपनी प्राइस या अपने कैटेगरी के हिसाब से डिसेंट यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी या डिज़ाइन के साथ ही आता है। Redmi 13 सी स्मार्टफोन में 6.74 इंच का एक HD+ रेजोल्यूशन IPS डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 90 Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एक ड्यूल ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर जो बेस वो भी काफ़ी कम है, लेकिन चिन मुझे थोड़ी सी बड़ी ज़रूर लगी है। और फ्रंट पर आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है, जिसको मैं अप्रिशिएट करूँगा। और यहाँ पर ये स्मार्टफोन 600 nits की ब्राइटनेस के साथ आता है। बड़े साइज़ का डिस्प्ले दिया गया और अच्छी बात है कि हाई रिफ्रेश रेट है, लेकिन दो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। एक तो ये स्मार्टफोन ड्यूल ड्रॉप नॉच के साथ आता है और दूसरा ये कि स्मार्टफोन फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ नहीं आता। तो ये दो चीज़ें डिसअपॉइंट करती है। बाकी डिस्प्ले की बात हूँ तो बड़ी साइज़ की डिस्प्ले और ऑफकोर्स काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो जब आप गेम खेलोगे, आम वीडियो देखोगे तो काफ़ी लोगों को मज़ा आने वाला है, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी तो जब लॉन्च होगा तो इसके डिस्प्ले के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना ब्राइट है, कितना सेचूरेटेड है और कितना विजिबल है। Redmi 13 सी स्मार्ट में एक बार फिर से वही MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर दिया गया, जो कि हम ऑलरेडी इसके प्रेडिसेसर में देख चुके हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। 12 nm पर बेस है और मान लीजिए 52 का GPU आपको देखने को मिल जाता है। और स्मार्टफोन जो वो 6128 और 8128 GB में अनवील हो चुका है। EMMC का स्टोर टाइप आपको देखने को मिल जाता है और साथ में Android 13 के साथ आपको MIUI 13 का वर्जन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर से थोड़ा डिसअपॉइंट ज़रूर हो चुका हूँ। बाकी अच्छी बात है कि हायर वेरियंट में आता है और लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड का, तो ये डिसेंट है। रही बात यहाँ पर प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की, तो अवेलेबिलिटी का सीन है कि स्मार्टफोन आने वाले 10 दिनों में जो है आपको किसी भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। और रही बात प्राइस की, तो इस स्मार्टफोन का आप अंदाज़ा लगा कि 150 तक आएगा, जो कि करीब 45,000 कन्वर्जन प्राइस बनती है, लेकिन पाकिस्तान में कन्वर्जन प्राइस 45 नहीं आएगी, 35,000 तक ये स्मार्टफोन डेफिनेटली आ सकता है। Redmi 13 सी स्मार्टफोन की रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन कैमरा जो वो 50 MP का दिया गया 1.8 mm के साथ, और एक यहाँ पर मैक्रो सेंसर दिया गया, जबकि फ्रंट पर ये स्मार्टफोन ड्यूल ड्रॉप नॉच में 8 MP सेल्फी कैमरा के साथ आता है। और स्मार्टफोन फुल HD+ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से भी और रियर कैमरा से भी 30 FPS पे। कैमरास की मैं बात करूँ तो मेन कैमरा से, लेकिन आई विश के यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा है वो एटलीस्ट इंप्रूव करते 13 MP जाते तो और भी बेहतर हो जाता, लेकिन Redmi वाले हमेशा से काफ़ी कंजूसी आजकल कर रहे हैं। अपग्रेडेशन के नाम पर सिर्फ स्मार्टफोन का नाम बदल देते हैं, बाकी तमाम स्पेक्स वही अपने प्रेडिसेसर वाले ही डाल देते हैं। जैसे कि अभी ये स्मार्टफोन पूरा का पूरा Redmi 12C ही है, जस्ट यहाँ पर जो डिज़ाइन है उसको चेंज किया है। Redmi 13 सी स्मार्टफोन में आपको 5 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 60 mAh 18 W की फास्ट चार्ज है, Type-C पोर्ट है, 3.5 mm का वे स्मार्टफोन एक सिंगल स्पीकर के साथ ही आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि स्मार्टफोन खूबसूरत ज़रूर है, लेकिन चीज़ों में काफ़ी कंप्रोमाइज़ भी किया गया है। देखते हैं कि ये अच्छी प्राइस में आएगा तो मैं रिकमेंड करूँगा, वरना स्मार्टफोन का वेट करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।